हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वेस्ट क्लॉथ्स के साथ बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक येलो कलर का कपड़ा पड़ा है, ये इतने मीटर लंबा है। इसको इस तरह फोल्ड कर लिया मैंने, इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड। इसके बाद की लंबाई है 14.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। क्या करना है हमें, यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, और इसको सीधा कर देना है इस तरह। ठीक है, यहां से निशान लगाना है 2.5 पर, यहां से भी 2.5 पर, और इसको गोलाई देनी है इस तरीके से। अब इसकी मेजरमेंट लो, ये है 4.5 इंच, इसके बिल्कुल मिड में निशान लगा लो, इसके मिड में निशान। यहां से इसको एक सीधी लाइन लगा ली मैंने बिल्कुल, ठीक है, और इसके 3 इंच पे मैंने ये एक निशान लगा लिया। यहां से शोल्डर पे से मैंने 1 इंच कम कर दिया, यहां से 1 इंच पे मैंने शोल्डर पे से कम कर दिया, और इसको अब हल्की हल्की गुलाई दे दी यहां से इस तरीके से। इस साइड से भी मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया, और यहां से भी मैंने इसको गोलाई दे दी। अब हम इसको कट करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहां से कट करेंगे गले पे से, इसके बाद इसको मैं ऐसे रख रही हूँ कपड़े को, शोल्डर पे से 1 इंच हम नीचे की साइड उतारेंगे, और अब यहां से गोलाई देते हुए अब हम इसको यहां से कट करेंगे। तरह से, और इसी तरह से यहां से भी हम हल्की हल्की गोलाई देंगे। यहां से इस तरह से छोटे बच्चों के लिए एक एप्रन बन जाएगा। के बीच में लगाने के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट ली है, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, जहां से आप पर्दे लेते हो, सोफे का कपड़ा लेते हो ना, उस शॉप पे इजली मिल जाएगी। इसको इसके बीच में रखेंगे इस तरह से, और यहां से अब इसको सुइयों से हम पिन से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पिनअप कर लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब इसके चारों तरफ यहां पर हम सिलाई करेंगे, ताकि हमारा ये दोनों क्लॉथ्स और ये जो फैब्रिक है आपस में अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो मैंने कट कर दिया है, और उसके बीच में मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट भी ऐड कर दी है। अब हम इसके चारों तरफ पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने पिंक कलर का कपड़ा लिया है। अब इसको हम रेप के शेप के अकॉर्डिंग कट करेंगे, और जो ये पट्टी मैं कट कर रही हूँ ये 1.5 इंच की है। और फ्रेंड्स, हमने दोनों शोल्डर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके यहाँ से यहाँ तक ये तीनों साइड अच्छे से पाइपिंग के साथ तैयार करेंगे। हमें क्या करना है, इसको इस तरह रखना है, कपड़े को इस साइड से रखो या इस साइड से रखो, दोनों तरफ क्या है, सीधे वाला हिस्सा है। पाइपिंग को हमें क्या रखना है, उल्टा,
इसके ऊपर उल्टा रखना है और एक पैर की सिलाई से हमें इस पे मशीन चलानी है और फिर इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको इसको अंदर की तरफ इस तरह करके हल्का सा फोल्ड करके और फिर इसको यू फोल्ड करना है इस तरह से, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको चारों तरफ से पाइपिंग लगा दी है। अब हमें क्या करना है, 12 इंच छोड़ के फिर हमें यहां से स्टार्ट करना है और इसके गले पे इस तरह से लगानी है और फिर 12 इंच बाद में फिर कट कर देना है, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहां से भी और यहां से भी इस तरह से तनी लगा दिया दोनों साइड से, ताकि उसके गले में ये अच्छे से अटक जाए। अब हमें क्या करना है, पाइपिंग बनाने के बाद इस तरह की पाइपिंग बना लेंगे, उसको यहां से लेके यहां तक अटैच करना है इस तरीके से, इसी तरफ दूसरी तरफ इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, एप्रन हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने यहाँ डोरी लगाई है और ये गले पे लगाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, एप्रन बनके तैयार हो गया है। कितना सुंदर बना है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है सभी बच्चों के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।